Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। आज हम मैथ्स में अर्थमेटिक जो पहला टॉपिक है परसेंटेज, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूं किस तरीके से पढ़ाऊँगा क्या होगा। तो यहाँ पर आज हम मैथ्स का पहला टॉपिक जो है वो परसेंटेज डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रयोग अर्थमेटिक के सारे टॉपिकों में, उसके अलावा एडवांस मैथ तक सारे जितने भी एसएससी के लिए, तो ये समझ लीजिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एसएससी के एग्ज़ाम में तो हर टॉपिक में इसका यूज है, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, पूरा अर्थमेटिक की ये जो नीम है वो परसेंटेज ही है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिकों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो परसेंटेज में आज हम सबसे पहले फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो देखो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज प्रतिशत, सबसे पहले ये समझेंगे परसेंटेज है क्या और इसका प्रयोग क्या है। तो देखो हंड्रेड और परसेंटेज का जो साइन होता है वो ये होता है। तो इस साइन को जब कभी भी हमें हटाना होगा तो हमेशा 100 से भाग दे देंगे। मेरे कहने का मतलब प्रतिशत बटे सैकड़ा, यहाँ पर जो वैल्यूज है वो 100 पर कैलकुलेट की जाएंगी और प्रतिशत में जो मैक्सिमम 100% होता है ये आपको याद रखना है। तो परसेंटेज का साइन जब कभी भी हमें हटाना होगा, परसेंटेज को जब कभी भी हटाना होगा तो उसमें हमें 100% होता है वो बटे 100 होता है। उसके अलावा इसका प्रयोग क्या है ये हम समझेंगे। तो परसेंटेज का प्रयोग देखेंगे, परसेंटेज का यूज कहाँ करते हैं हम। तो परसेंटेज का यूज यहाँ पर, परसेंटेज का यूज सबसे ज्यादा सभी क्वेश्चनों में दो जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमें किसी भी चीज को लोगों में बांटना है, दो या चार या पांच लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज करते हैं। उसके अलावा इसका यूज आता है कंपैरिजन में तुलना करने में, किन्हीं भी दो आर्टिकलों में या दो चीजों में या चार चीजों में तुलना करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो परसेंटेज का प्रयोग दो जगह किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंपैरिजन के लिए। तो जिस प्रकार से परसेंटेज का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजन के लिए किया जाता है, सेम उसी प्रकार से एक और है फ्रैक्शन भिन्न। तो ये दोनों चीजें हैं, वैसे तो कंपैरिजन के लिए परसेंटेज का भी यूज किया जाता है, फ्रैक्शन का भी यूज किया जाता है, रेशियो का भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें रेशियो नहीं पढ़ना, यहाँ पर हमें परसेंटेज और फ्रैक्शन पढ़ना है। तो इसका प्रयोग, परसेंटेज क्या है वो मैंने आपको बताया, उसके बाद इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग हम किन्हीं भी दो या तीन या चार चीजों में तुलना करने के लिए करते हैं या हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो मेरे पास 10,000 रुपए है और मुझे उन्हें लोगों में बांटना है, तो 5,000 किसी को दिए, 2,000 किसी को दिए, 1,000 किसी को दिए, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी चीज को हम परसेंटेज में भी बोल सकते हैं कि मेरे पास जो धन है वो 100% होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 100% होती है, फिर जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10%, 20%, 30% अलग अलग बांट देंगे। ऐसे ही इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो फ्रैक्शन भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही तरीका है। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आज की डेट में अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन का चलन नहीं है। फ्रैक्शन का चलन सबसे ज्यादा टाइम में था, मिडविल टाइम में था। मिडविल हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जैसे जजिया कर वसूला जाता था, तो आपने जब उसकी रेट पढ़ी होगी तो हमेशा ऐसे लिख रही होगी कि 1/10 या 2/5। पूरे इतिहास में जो भी आपने पढ़ा होगा उसमें हर जगह यही होगा कि जजिया कर 1/10 वसूला जाता था, जो है खेतों पर जो पैदावार पर जो कर था खरीदा जाता था वो हमेशा फ्रैक्शन में दिया जाएगा, क्योंकि उस समय परसेंटेज की नॉलेज हमें नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें मॉडर्न होती गई तो थोड़े मॉडर्न टेक्निक की जरूरत पड़ती है, तो वो टेक्निक, वो परसेंटेज हमने यहाँ पर बनाया तो वो वहीं से निकला है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजन, किसी भी एक चीज को कई जगह बांटना या किन्हीं भी चीजों में करने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन चीजें बताई, एक तो परसेंटेज प्रतिशत, एक तो हो गया परसेंटेज, हम इस चीज को परसेंटेज में बता सकते हैं, और एक दूसरी चीज हो गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं भिन्न।
भिन्न, यहाँ पर चीजों को फ्रैक्शन में दर्शाया जाता है। और एक जो है रेशियो, रेशियो का प्रयोग भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, रेशियो का प्रयोग भी डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजन के लिए किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाता है ये देखेंगे। तो ये तीनों चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रैक्शन में, रेशियो में और इनमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये जो रेशियो है ये पूरा टॉपिक है अर्थमेटिक में, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें बस इन दो चीजों को समझना है, परसेंटेज को और फ्रैक्शन को। इस रेशियो को हम आगे जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसमें करेंगे। यहाँ पर हमें रेशियो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में और रेशियो में थोड़ा सा बस रिलेशन समझ लेना है, बाकी इसको हम टॉपिक में जाके पढ़ेंगे। तो देखो परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो तीनों क्या चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन जिनके तरीके। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तरह से हम अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कोई भी जैसे राशि है, कोई भी राशि है और उसको अलग अलग लोगों में बांटा गया, तो उसी चीज को हम परसेंटेज में किस प्रकार से कहेंगे, फ्रैक्शन में किस प्रकार से कहेंगे और रेशियो में किस प्रकार से कहेंगे, ये चीज आप समझेंगे तो आपकी समझ में तीनों में डिफरेंस और मतलब समझ में आ जाएगा। वही समझना जरूरी है। जैसे मान के चलो मैंने मान लिया कि किसी व्यक्ति के पास जो टोटल धन है, मैंने लेट कर लिया कि किसी व्यक्ति के पास टोटल अमाउंट, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि किसी व्यक्ति के पास जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये, और इस 10,000 रुपये को उसने तीन लोगों में बांट दिया, ए में, बी में और सी में, इसने तीन लोगों में बांट दिया। तो ए व्यक्ति को दिया कुछ धन, कुछ धन इसने बी व्यक्ति को दिया, कुछ धन इसने सी व्यक्ति को दिया। तो मान के चलो ए को इसने 4,000 रुपये दिए, बी को इसने मान के चलो 6,000 रुपये दिए, फिर सी के लिए नहीं बचेगा तो बी को मान लेते हैं, मान के चलो 5,000 रुपये दिए, ए को 4,000 रुपये दिए, बी को 5,000 रुपये दिए, तो 5 और 4 9,000 हो गए, 10,000 में से 9,000 जाएगा तो सी को कितना मिला, 1,000 रुपये। तो इस धन को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मैंने लेट कर लिया कि 10,000 रुपये की धनराशि को ए बी सी तीन व्यक्तियों में बांटा गया है, तो ए को 4,000 रुपये मिले हैं, बी को 5,000 मिले हैं और सी को जो है 1,000 रुपया मिला है। अब ये क्या है जो ऊपर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन और कंपेरिजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया ये कि 10,000 रुपये को तीन लोगों में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बांटना, तो ये तीन लोगों में बांट दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कंपैरिजन ये है कि अगर मैं कहूं बताइए ए को बी से कितने रुपए कम मिले, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, मतलब ए का कंपैरिजन किससे हो गया, बी से हो गया। ऐसे मैं कहूं बताइए सी को बी से, बी को सी से कितने रुपए ज्यादा मिले, तो बी को 5,000, सी को 1,000, 4,000 रुपए ज्यादा मिले, तो ये क्या हो गया, ये कंपैरिजन किया जा रहा है, किसका, बी की राशि का सी की राशि से, तो ये कंपैरिजन हो गया। तो इसी कंपैरिजन को परसेंटेज में कैसे दर्शाया जाएगा, इसी कंपैरिजन को फ्रैक्शन में कैसे दर्शाया जाएगा, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे दर्शाया जाएगा, परसेंटेज फ्रैक्शन क्या है इसका प्रयोग ये जानेंगे। तो देखो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम परसेंटेज में दर्शाएं और फ्रैक्शन में दर्शाएं तो क्या कंडीशन होगी, तो देखो परसेंटेज में 10,000 रुपये है, तो परसेंटेज में जो मैक्सिमम मान होता है, मैक्सिमम मान जो प्रतिशत में होता है हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, किसी भी व्यक्ति की आय, किसी किसान के खेत से होने वाली पैदावार या किसी भी व्यक्ति के पास कुल पशु या कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे ऐसे ही फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में जो मैक्सिमम मान होता है, फ्रैक्शन में मैक्सिमम मान हमेशा 1 के बराबर होता है, फ्रैक्शन में मैक्सिमम मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब देखो मैक्सिमम मान 100% है और टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना है, 10,000 रुपये, तो जो मैक्सिमम मान है वो कितना है, मतलब कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि 10,000, जब कुल धनराशि 10,000 है और मैक्सिमम मान 100% है, तो 100% मान 10,000 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसका मतलब 10,000 रुपये की वैल्यू अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 10,000 रुपये की वैल्यू परसेंटेज में 100% के बराबर है भाई, 100% के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं 1,000 की वैल्यू निकालूं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1,000 रुपये की वैल्यू बराबर आ जाएगी, कितने की आ जाएगी भाई, 10% के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब इसी चीज़ को अगर मैं परसेंटेज में दिखाऊंगा तो 10,000 कितना हो गया, 10,000 तो हो गया 100%। अब 10,000 में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है ए बी सी में, तो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, तो ए को कितने मिले, 4,000 रुपये, 1,000 रुपये का मान 10% है, तो 4,000 इसका चार गुना होगा, तो 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को धनराशि, कुल धनराशि का कितना प्रतिशत मिला है, 40% मिला है। ऐसे ही बी को कितना मिला है, 5,000 रुपये,
और बी को 5,000 मिला, 1,000 की वैल्यू 10% है, तो 5,000 की वैल्यू इसका 5 गुना होगी, तो 10% का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ऐसे सी को कितना मिला, 1,000 रुपए, और 1,000 की वैल्यू कितनी है, 10%, तो ये कितना हो गया भाई, 10% मान हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, यही सेम चीज 10,000 को जो बांटा है एबीसी में, वही अगर मैं परसेंटेज में कहूंगा तो परसेंटेज में उस चीज को ऐसे कहूंगा कि टोटल 100% होगा, उसमें से ए को 40% मिला, बी को 50% मिला और सी को 10% मिला, ये परसेंटेज में हो गया। तो इसी चीज को दर्शाने का तरीका है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को। और कंपैरिजन कैसे, परसेंटेज में कंपैरिजन ऐसे होगा कि बताइए बी को ए से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि मिली, तो बी को कितना ज्यादा मिला वो देखेंगे, और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए से, वो देखेंगे। परसेंटेज में हमेशा दो ही काम हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजन, इन्हीं को समझना है। कंपैरिजन किसका हो रहा है वो मैं बताऊंगा, परसेंटेज में फ्रैक्शन में क्या होता है। तो ये हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे ही इस 10,000 रुपये में मैक्सिमम मान फ्रैक्शन में एक होता है, तो मैक्सिमम मान एक होता है, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का टोटल मान कितने के बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अब यहाँ से हमें ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, तो सी के लिए 1,000 का निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से 1,000 का निकालूंगा, 1,000 कितना होगा, तो 1,000 के लिए 10 यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब 1,000 रुपये पर कितना भाग चला जाएगा, 1/10, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका मतलब टोटल 10 भाग 10,000 है, तो 1 भाग का मान कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर अगर हम ए बी सी में देखेंगे कि टोटल मैक्सिमम मान 1:1 हो गया। अब ए बी सी में ये अलग अलग बटेगा, तो ए को कितना भाग जाएगा, बी को कितना भाग जाएगा, सी को कितना भाग जाएगा, तो ए को कितना जा रहा है 4,000, तो 1,000 का मान 1/10 है, तो 4,000 इसका कितना हो गया, 4 गुना, तो 4/10 हो जाएगा, तो ए को कितना जाएगा, 4/10। चाहे तो हम इसको और इजी कर सकते हैं, बिल्कुल सरलतम रूप में लिखना है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 भाग। 2/5 भाग किसको जाएगा, ए को। ऐसे ही बी का देखेंगे तो कितना है, 1,000 और 1/10, तो 5 गुना हो जाएगा, 5/10, तो 5/10 का मतलब बी को जाएगा आधा भाग। ऐसे सी की बात करें, 1,000, तो 1,000 का कितना, 1/10 भाग। तो यहाँ पर अगर इसको फ्रैक्शन में बात करूँ, तो फ्रैक्शन में इसी चीज की बात अगर मैं फ्रैक्शन में करूँ, तो फ्रैक्शन में टोटल जो मैक्सिमम मान है, ये जो एक है, ये तो बराबर होगा 10,000 रुपये के, और 10,000 रुपये में से 1/2/5 भाग ए को गया, 1/2 भाग बी को गया, और 1/10 भाग सी को गया। यही चीज फ्रैक्शन में दर्शा दी। तो वही जो ये फ्रैक्शन है और परसेंटेज है, ये क्या है, किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन को और किन्हीं भी 2 या 3 या 4 राशियों में कंपैरिजन करने का तरीका है, और कुछ नहीं है, यही इसका प्रयोग है। तो परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, इसका प्रयोग क्या है, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका आपको बताया, इसके अलावा इन दोनों का प्रयोग कंपैरिजन में भी किया जाता है। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि ए बी सी तीनों में, और रेशियो क्या है, रेशियो भी यही है। देखो मैं अभी ये तो मैंने आपको परसेंटेज में और इसमें इसको बना के दिखाया, अब कंपैरिजन, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन देखेंगे, और रेशियो क्या है ये समझेंगे। रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज तीनों सेम ही चीजें हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों का काम एक ही है। अगर आपकी समझ में इनमें रिलेशन आ गया तो अर्थमेटिक ये समझ लीजिए आपका आधा तो हो गया, बस आधा बचा है और कुछ नहीं बचा, इससे अलग कुछ है ही नहीं अर्थमेटिक में। सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे सेम एक ही तरीके से करेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस आप एक बार परसेंटेज को पढ़ना है, बाकी के टॉपिक आपके समझ में बड़ी आसानी से आएंगे, उनमें कुछ नहीं है फिर। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अब कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन को समझेंगे। मैंने ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाया, ये डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने परसेंटेज और भाग में बताया, इसी चीज को कंपैरिजन में क्या, कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब हो गया भाई तुलना, सीधी सी बात है। तो ए बी सी को कितने कितने रुपए मिले हैं, तो देखो यहां पर भी आप देख लेंगे, यहां पर भी आप देख लेंगे परसेंटेज, यहां पर भी आप देख लेंगे परसेंटेज में कंपैरिजन, ऐसे ही फ्रैक्शन में कंपैरिजन, और ऐसे ही रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या है, रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज तीनों सेम चीजें हैं, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर कि ए की राशि का बी की राशि का और सी की राशि का अनुपात क्या होगा, तो वो सीधा हो जाएगा, ए को कितने मिले 4,000, बी को कितने मिले 5,000 और सी को कितने मिले 1,000, तीनों का रेशियो आ गया, 1,000 1,000 1,000 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो 4:5:1, रेशियो हमेशा इजीएस्ट वे में लिखा जाता है, तो 4:5:1 का रेशियो होगा। फ्रैक्शन में वो चीज मैंने
पीछे बताई थी कैसे भाग बनेंगे, 2/5, 1/2 और वो, और परसेंटेज में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहले बता चुका हूँ। अब मैं समझूंगा तुलना क्या है, मतलब कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन क्या है कि जैसे परसेंटेज में कंपैरिजन करना है, मतलब ए का कंपैरिजन बी से करना है, बी का कंपैरिजन सी से करना है या सी का, तो ये देखो ये है रेशियो, तो ये टोटल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हमें कंपैरिजन समझना है, कंपैरिजन क्या है, किन्हीं भी चीजों में कंपैरिजन किस प्रकार से करते हैं, ये हो गया। रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो बिल्कुल टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप कंपैरिजन को समझ लेंगे, कंपैरिजन का डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले समझ सकें। कंपैरिजन जैसे मान के चलो कंपैरिजन ए का हम किसे कर, तो ए का कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये पूछ सकता है कि बी को ए से कितना धन ज्यादा मिला, या ऐसे पूछ सकता है कि ए को बी से कितना धन कम मिला। इस चीज प्रश्न में अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी को ए से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर बी को ए से 1000 रुपए ज्यादा मिले। ऐसे ही मैं कहूं कि ए को बी से कितना कम मिला, तो आप कहेंगे सर 1000 रुपए कम मिले, ए को किससे कम मिले। ये कंपैरिजन ही तो हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, इसी चीज को वो प्रतिशत में पूछता है कि बताइए बी को ए से कितने प्रतिशत अधिक, और ऐसे ही पूछेगा आपको बताइए ए को बी से कितने प्रतिशत धन मिला। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बी से मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू परिजन हो रहा है। तो क्वेश्चन आपके दो प्रकार से बनेंगे, परसेंटेज क्या है मैंने आपको बता दिया, बटे 100, सारी वैल्यूज 100 पर कैलकुलेट होती हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंपैरिजन में। परसेंटेज और फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन भी सेम वही चीज है, लेकिन उसको लिखने का तरीका है, बताने का तरीका अलग है, प्रयोग दोनों का सेम। तो हमें बस आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। बाकी के सारे जो टॉपिक हैं वो इसी से सॉल्व होंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझें, आगे की वीडियो तभी आपके समझ में आएंगी। तो फ्रैक्शन और प्रतिशत दो चीजों को समझना है। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि परसेंटेज में जो मैक्सिमम मान होता है वो 100% होता है, और फ्रैक्शन में जो मैक्सिमम मान है वो 1 होता है। इसका मतलब जब दोनों मैक्सिमम मान है तो दोनों आपस में बराबर हो सकते नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि 100% जो परसेंटेज में होगा वो मान फ्रैक्शन में हमेशा 1 के बराबर होगा। ये बात निकल के आ गई कि नहीं आ गई, तो 100% मान जो परसेंटेज में होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन फ्रैक्शन और परसेंटेज में समझ में आ गया। अब ये जब दोनों चीजें बराबर हैं तो मैं इसमें दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूं। तो मैं अगर यहां 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दूं, मान के चलो तो 2 से दोनों साइड में डिवाइड करूंगा तो 100% / 2 ये हो जाएगा। ऐसे यहां पर ये हो जाएगा 1/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 50 times। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया, दूसरा कि 50% का जो मान है वो फ्रैक्शन में कितने के बराबर होगा भाई, 1/2 के बराबर होगा। ऐसी आप बहुत सारे परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पेपर में क्या है कि परसेंटेज दिया जाता है उसका या तो फ्रैक्शन बनाना होता है या फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाना होता है। तो उसके लिए हम एक आसान सा तरीका जान लेते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने प्रतिशत का मतलब बताया था, बटे 100 साइन परसेंटेज का, तो मैंने बताया था ये वाली चीज। तो हमेशा बस आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रतिशत के साइन का मतलब होता है बटे 100। जहां कभी भी हमें प्रतिशत का साइन दिखेगा वहां हम बटे 100 करके उसको हटा सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कहा कि बताइए 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 25% का फ्रैक्शन हम बनाएंगे तो 25% के साइन का मतलब हमने पढ़ा है बटे 100, तो इसको साइन को हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1/4। तो इसका मतलब ये है कि 25% का फ्रैक्शन में मान 1/4 होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया कि जब कभी भी हमें प्रतिशत मान को फ्रैक्शन में बनाना होगा तो परसेंटेज के साइन को हटाकर बस 100 से भाग दे देते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे मान के चलो हमें 20% का फ्रैक्शन बनाना है, क्या होगा, हमें 20% का फ्रैक्शन मान बताना है, तो 20% का फ्रैक्शन मान, तो 20% के साइन को हटाकर 100 से भाग दे देंगे, तो परसेंटेज के साइन को हटाकर तो भाई 20% का फ्रैक्शन मान आ गया 1/5। ऐसे ही मान के चलो हमें 30% का बनाना है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/10। तो जब कभी भी हमें किसी प्रतिशत मान का और फ्रैक्शन बनाना होगा
परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा 100 से भाग दे देते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे, अब एक दूसरी चीज ये है कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे। अभी तो हमने देखा परसेंटेज कैसे, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब यहाँ से हम यहाँ जा रहे थे परसेंटेज से फ्रैक्शन बना रहे थे तो 100 का भाग दे रहे थे, अब जब यहाँ से इधर आएंगे मतलब उल्टा चलेंगे तो ये जो 100 है नीचे वाला ये इधर जाने पर डिवाइड की जगह पक्षांतर करने पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसका मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना होगा तो भाग देने की बजाय 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर बताइए 2/5 का प्रतिशत में मान क्या होगा, तो जब कभी भी हमें फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाना होगा तो बस परसेंटेज का साइन लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 दूनी 40, तो 2/5 का परसेंटेज में मान हो जाएगा 40%। ऐसे एक और देखें, हमें पूछा उसने बताइए 3/5 का मान क्या होगा, तो 3/5 परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे बेटा तो ये 20 बार हो जाएगा, 20 × 3 = 60%। तो ये देखो परसेंटेज में मान बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो 3/5 का जो है वो कितना होगा भाई, 60% होगा। तो जब कभी भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना होगा तो हमेशा परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए एक चीज तो ये ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट कि 100% मान 1 होता है, उसके अलावा परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमेशा परसेंटेज के साइन को हटाकर 100 से भाग दे देंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है, स्पष्ट है, आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर सिस्टम में कोई कमी है, साउंड का इश्यू है या कोई इश्यू अगर आता है तो आप उसको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रतिशत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैक्शन परसेंटेज, बस ये दो चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी तो आने वाले 4 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सारे टॉपिक सेम है, एक ही तरीके से चलेंगे, कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी हमने पीछे सीखा परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि कभी भी एग्जाम में आपको जिस प्रकार से मैंने पीछे बताया है ऐसे फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो मैं आपको लिखा दें, हमने परसेंटेज बनाने का तरीका पढ़ा है फ्रैक्शन बनाने का, लेकिन उससे मतलब नहीं, वो केवल हमें याद रखना है, हमें पता होना चाहिए बेसिक चीजें, लेकिन हमें कुछ फ्रैक्शंस डायरेक्टली याद रखनी है। जैसे 1 मैंने बताया आपको बराबर होता है 100% के, ऐसे ही आपको 1 से लेके 20 तक मतलब 1/2 बराबर होता है 50% के। अब आपको ये ऐसे याद होना चाहिए सीधा सीधा, आप ऐसा नहीं करेंगे पेपर में कि 50% दिखा फिर इसको लिख रहे हैं 50/100, फिर 50 से उसको काट रहे हैं फिर लिख रहे हैं 1/2, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ऐसा नहीं करना है। सीधा जैसे ही आपको 50% देखे तो डायरेक्ट आपकी लाइन 1/2 आनी चाहिए, आपको ये भी आप क्वेश्चन में फास्ट क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही 1/3 का मतलब होता है 33/1/3%, जैसे ये मुझको याद है उसी तरीके से आपको याद करने हैं। और इसी चीज को अगर हम पॉइंट में कहेंगे तो 33/1/3% को पॉइंट में कहेंगे तो ये हो जाएगा 33.33%। तो ऐसे ही 1/4 का परसेंटेज में मान जो होता है वो 25% के बराबर होता है, 1/4 में और
प्रतिशत 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं अगर पॉइंट में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 8.33%। ये दोनों ही आपको याद रखनी पड़ेंगे। ऐसे ही 1/13 1/13, तो 1/13 होता है 13, 13 से 100 को भाग देंगे 1/13 होता है 9/13%। इसका भी आप चाहेंगे पॉइंट बना लेंगे। ये आपको बाकी के जो मैंने नहीं लिखे हैं पॉइंट बना के, इनको आप आराम से बैठ के पॉइंट में बना के भी लर्न करें। 1 से लेके 20 तक आपको याद रखने। ऐसे ही 1/14 1/14 बराबर होता है 7/7%। ऐसे ही 1/15 की बात, 1/16 1/16 बराबर होता है 6.4%। ऐसे ही 1/16 है, ऐसे ही 1/17 1/18 1/90 और 1/20 तक आपको याद रखनी है। 1/20 का होता है 5%। ऐसे करके आप चाहें तो 1 से लेके 25 तक भी याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। तो जो मैंने फ्रैक्शन आपको लिखाए हैं, ये 1 जो है ये 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 से 1/3%। तो ये आपको ऐसे याद रखने कि 33 से 1/3% हमें अगर पेपर में दिखेगा तो सीधा उसका फ्रैक्शन 1/3 लिख पाएं, 25% 1/4। मैं अभी इस क्लास में इन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे आसानी से आपको समझा रहा हूँ। आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, इसलिए अभी समझ लें, ध्यान से समझ लें। आगे मैं जैसे ही क्वेश्चन में मुझे ये दिखेगा तो मैं सीधा ये लिखूंगा, वहाँ ये नहीं बताऊंगा कि ये आया कहाँ से। ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया, इससे ये कैसे आया वो मैं पीछे बता चुका हूँ। 100 से भाग देंगे परसेंटेज के साइन को, 3 7 91 9, 100/13 100 से भाग देंगे तो 1/13 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसे करके ये जो फ्रैक्शंस हैं ये 1 से लेके 20 तक आपको याद रखने हैं, 1 से 20 तक याद रखने हैं। बाकी के इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन भी आपको याद रखने हैं। बाई चांस एग्जाम में आपको याद नहीं रहता है तो आप बना सकते हैं, बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया, 100 से भाग देकर बनाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर? आगे चलें, थोड़ा सा और आगे देखते हैं चीजों को। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन से परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन हमारे समझ में आ गया। 1 से 20 तक फ्रैक्शन हमने याद रख ली, लेकिन एग्जाम में फ्रैक्शनों की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 से 20 तक ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एसएससी में सिलेबस में कोई फिक्स चीज नहीं है। वहां पर कितना भी फ्रैक्शन आ सकता है, तो कितना भी परसेंटेज आ सकता है, तो वो आपको बनाना आना। बाकी के फ्रैक्शन हमें याद नहीं रखने सारे, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है लाखों हो सकते हैं, तो इसलिए इनको लर्न नहीं किया जा सकता है। बाकी के फ्रैक्शन हम इनसे देखते हैं, बनाएंगे वो आप देखेंगे। तो बाकी के फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके बनाए जाते हैं। तो बाकी के फ्रैक्शन कैसे बनाए जाते हैं, एक तरीका तो है मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन कैसे बनेंगे वो देखेंगे आप, मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन कैसे बनेंगे। जैसे हमें 1 से 20 तक याद है, इसका मतलब हम जानते हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन में मान होता है, 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5। ठीक है, 1/5 होता है। अब ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो भाई मैंने अभी आपको पीछे बताया दोनों साइड में कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों साइड में जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा 40%, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई 2 से इधर भी करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। तो देखो 1% का नया फ्रैक्शन हो गया, 40% का फ्रैक्शन में मान होता है 2/5। ऐसे ही मान के चलो मैं इसमें 2 का फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 40 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। तो 80% तो 2 का इधर भी करना पड़ेगा, 4/5। तो ये नया फ्रैक्शन आ गया, देखो नया फ्रैक्शन आ गया, 80% का फ्रैक्शन मान 4/5। ऐसे ही और आगे तक बहुत सारे फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये 20% का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे चलो एक और फ्रैक्शन होता है कि ये होता है 9 से ही 1/11%, और 9 से ही 1/11% का फ्रैक्शन। तो इसमें भी मैं वही काम करूंगा, इसमें दोनों साइड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, और 2/11, तो 18 से ही 2/11% का फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा भाई, 2/11। ऐसे ही मान के चलो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो 9 चौक 36 हो जाएगा 4/4/11%। तो 36 से ही 4/11% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4/11। तो यहाँ पर या और इधर भी 2 का, दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना, एक कर
ऐसा नहीं, दोनों सेम नंबर से, क्योंकि अगर हम अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइडें हैं वो इक्वल नहीं रह पाएंगी, दोनों एक कम हो जाएगी एक ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें दोनों साइडों को इक्वल रखना है, इसलिए सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके नए फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमने पढ़ाया पीछे कि 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो 1/7 होता है। अभी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, अभी आपको प्रैक्टिस की एक सीट दे दी जाएगी जिसमें आप फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे टेलीग्राम के चैनल पर, यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ लें बस ध्यान से। तो 14 सही 2/7% 1/7 होता है। अगर मैं इसमें दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 2 28 और 2 2 4 4/28 सही 4/7% बराबर 2/7। ऐसे मान के चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 3 42 और 3 2 6/7 42 सही 6/7% जो मान होगा वो 3/7 के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो ये नए फ्रैक्शन बन गए कि नहीं बन गए? तो मल्टीप्लाई करके नए फ्रैक्शन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे मैंने ये प्राप्त किए इस प्रकार से। अब यहाँ पर इनका प्रयोग कैसे होगा, जब ये पेपर में आएंगे तो पेपर में आपका परसेंटेज में आएगा, जैसे 18 सही 2/11, तो आप ये पहचानना है, ऐसे नहीं करना पेपर में जाके कि 18 मल्टीप्लाई 11 2, पहले इसको सही बट्टी में बनाएं फिर इसमें 100 से भाग, नहीं करना है आपको। को यहाँ पर क्या करना है, पहचानेंगे कैसे आप, वो ऐसे पहचानेंगे, नीचे वाला डिजिट देखेंगे, नीचे कितना आ रहा है 11, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो नीचे 11 आ रहा है ये 1 से में आता है, 1/11 है नीचे 11, तो 9 सही 1/11, फिर उसके बाद देखेंगे ये 9 सही 1/11 का कितना गुना है, तो ये 2 गुना है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 9 सही 1/11 का 1/11 होता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/11। ऐसे मान के चलो पेपर में ये आ गया 36 सही 4/11, तो आप बस नीचे देखेंगे, नीचे कितना है 11 है, नीचे 11 है, अब नीचे 11 है, नीचे 11 है, तो 11 कौन से फ्रैक्शन में आता है 1 से 20 तक, 9 सही 1/11 में, और फिर देखेंगे इसका कितने गुना है 4 गुना है, तो 4/11 इसका फ्रैक्शन। सीधा ऐसे लिखेंगे पेपर में, जैसे ही 36 सही 4/11 देखेगा मैं सीधा 4/11 लिखूंगा, इसको ऐसे नहीं करूंगा 11 मल्टीप्लाई 36 प्लस 4/11 फिर 100 से भाग दे रहे हैं, वो कैलकुलेशन आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ये कुछ यानी ये जरूरी है क्वेश्चन कितनी जल्दी हुआ, कितना फास्ट हुआ, कम से कम समय हुआ, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको आता है फिर भी छूट जाएगा, वो क्यों, क्योंकि आप स्पीड से चीजों को कर पा रहे हैं, इसलिए आपको उनको स्पीड निकालने के लिए कुछ चीजें और कुछ टेक्निकली भी आपको जाना पड़ेगा, जैसे ये है हर जगह 100 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके नहीं जाना, वो मैंने इसलिए समझाया है कि उसका भी कहीं ना कहीं यूज है, उसको भी चीज को समझना जरूरी है, वो बेसिक है। तो ये मल्टीप्लाई करके भी हम फ्रैक्शंस, नए नए फ्रैक्शंस बना सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े हैं, अभी हमने बनाकर देखा। उसके अलावा आपने अभी तक की जो मैंने सारे फ्रैक्शंस आपको बताए हैं, परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना, 1 से 20 तक याद करना, मल्टीप्लाई करके बनाना, इन सभी में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, इन सभी फ्रैक्शनों में जो परसेंटेज है वो 100 से नीचे है और फ्रैक्शन का मान 1 से कम है। तो हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी परसेंटेज 100% होगा, परसेंटेज 100% होगा तो फ्रैक्शन में मान हमेशा 1 होगा, फ्रैक्शन में मान हमेशा 1 होगा। और ये चीज़ कब हो सकती है, जैसे कोई परसेंटेज अगर x प्रतिशत है और इसका फ्रैक्शन मान a/b है, तो ये चीज़ तब पॉसिबल है जब a बराबर हो b के, जब a बराबर b होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इस केस में जो x का मान है वो 100 के बराबर रहेगा, 100% रहेगा। तो जब फ्रैक्शन का मान 1 होता है तो परसेंटेज 100 होता है, तो उस केस में फ्रैक्शन जो है ऊपर नीचे दोनों जगह समान रहेगा, तभी ऐसा होगा। उसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हमने जो पीछे पढ़े हैं, पीछे हमने परसेंटेज पढ़े हैं, जैसे मान के चलो हमने 50% पढ़ा है, तो 50% का फ्रैक्शन में मान कितना है 1/2, तो आप देखेंगे कि ये चीज 1 से कम है भाई, ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा है, ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा है, तो ये मान 1 से कम है तो परसेंटेज 100 से कम हो जाएगा। तो जब कभी भी ये कंडीशन होगी कि x प्रतिशत में कोई परसेंटेज मान लूं और उसका फ्रैक्शन a बटा है, तो ये फ्रैक्शन 100 से नीचे तभी रहेगा जब a जो है b से छोटा हो, तो उस केस में हमेशा इसका परसेंटेज में मान 100% से नीचे रहेगा, 100% से ऊपर नहीं जाएगा। जब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे वाली से छोटी होगी, ये जैसे यहाँ पर लिखा है, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से छोटी होगी तो उसके इसमें परसेंटेज का मान हमेशा 100% से नीचे रहेगा।
लेकिन जैसे मान के चलो 150% है, तो 150% का फ्रैक्शन मान कितना बनेगा, 3/2, 3/2, तो आप देखेंगे ऊपर वाला मान नीचे वाले से बड़ा है, तो ये केस अलग हो गया। तो इसमें अगर एक्स परसेंट की अगर हम कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू देखें ए बटे बी, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए का मान बी से बड़ा हो। तो इस केस में जो परसेंटेज में मान है वो हमेशा 100% से ऊपर जाएगा, एबव जाएगा, तो 100% से एबव रहेगा और यहाँ पर हमेशा 100% से लेस रहेगा, यहाँ पर हमेशा 100% से लेस रहेगा, 100% से अबव रहेगा। तो कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने में और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने में ये तीन केस हो सकते हैं। तो परसेंटेज 100% बराबर होगा वो तभी पॉसिबल है जब फ्रैक्शन में दोनों चीज़ें बराबर हों, उसके अलावा या परसेंटेज 100 से नीचे रहेगा वो तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा हो, या परसेंटेज में जो मान है उसमें ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी होगी वो तभी पॉसिबल है जब परसेंटेज में मान 100% से अबव हो। ये तीन केस हो सकते हैं। तो इसमें ये दो केस हम पीछे स्टडी कर सकते हैं, अभी ये हमने स्टडी नहीं किया है। 100% तो हमें देखना है यहाँ से 100% से अबव के फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं। अभी हमने पीछे जितने भी फ्रैक्शंस पढ़े हैं आपने देखा होगा कि उसमें सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो 100% से नीचे हैं, 100% से नीचे के फ्रैक्शन है। अब ये तीसरा जो केस है ये हमें पढ़ना है। तो तीसरे केस में क्या है कि परसेंटेज 100% से ऊपर रहेगा। तो परसेंटेज 100% से ऊपर जब ही रह सकता है जब फ्रैक्शन में ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से बड़ा हो। तो देखो हमें 100% से अबव का फ्रैक्शन कैसे बनाना है या फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है। तो देखो 100% से अबव के फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस अबव 100%, जब कभी भी 100% से ऊपर फ्रैक्शन आएगा तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखो जैसे हमें पता है कि 100% मान जो होता है, 100% मान जो होता है, 100% मान 1 के बराबर होता है। अगर मैं इसमें दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर हो जाएगा 200% और 200% का मान बराबर आ जाएगा 2 के। तो देखो ये जो फ्रैक्शन का मान है ये फ्रैक्शन में मान 1 से बड़ा है, जैसे ही फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा हुआ वैसे ही परसेंटेज 100% से ऊपर चला गया। ऐसे ही मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 300% और 300% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400% फ्रैक्शन का हो जाएगा 4। ऐसे ही 500% तो 500% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर 100% से अबव के फ्रैक्शन आ जाएंगे और 100% से अबव के फ्रैक्शन में आप देखेंगे तो फ्रैक्शन मान जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब इस प्रकार के ये तो 100, इसका मतलब परफेक्ट में जब कभी भी 100 के मल्टीपल में कोई भी परसेंटेज हमसे पूछा जाएगा तो आगे वाले डिजिट को सीधा फ्रैक्शन लिख देंगे। जैसे 200 में आगे कितना है 2, तो 2 हो गया। 300 में कितना है 3, तो 400 में कितना है 4। वो क्यों हो रहा है वो आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि परसेंट को उसको अगर हम हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देने पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, केवल आगे वाली वैल्यू रह जाएगी। तो इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान के चलो उसने हमें फ्रैक्शन दिया 7/3, इसका परसेंटेज में मान बताइए क्या होगा। तो 7/3 का परसेंटेज में मान बताने का एक तरीका तो बहुत सिंपल है जो हमने बताया कि जब कभी फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई मैं इसका 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 700/3, तो ये बन जाएगा 700/3%। और इसको अगर हम और आगे करेंगे तो 3 से 3 दुनी 6 दो बार जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 × 9 फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 233/1/3%। या तो इस प्रकार से जब ये फ्रैक्शन में ऊपर वाला मान नीचे वाले से बड़ा होगा तो परसेंटेज 100 से ऊपर जाएगा। देखो जा रहा है 233/1/3%, 100% से बड़ा है। ऐसे ही तो ये तो हो गया एक सिंपल तरीका 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनाना। उसके अलावा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, अगर हम दूसरा तरीका इसका देखेंगे तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 7/3 है, 7/3 में अगर मैं 3 से इसमें भाग दूंगा तो 3 से कितने बार जाएगा 2 बार प्लस, और 3 से फिर कितना बचेगा 3 × 6 1 बचेगा 1/3। तो मैं 7/3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2+1/3, और 2+1/3 में 2 का परसेंटेज हमें पता है, 2 का परसेंटेज में मान कितना होगा 200%, और 1/3 का हम पहले याद कर चुके हैं वो कितना होगा 33/1/3%। तो इसका मतलब इसका परसेंटेज में मान कितना बन जाएगा
इसका परसेंटेज में मान बन जाएगा 233 सही 1/3%। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी बना सकते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज 100% से एबव वालों का, और ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि सर हमारे लिए कौन सा सही रहेगा। तो देखो आपके लिए ये सही रहेगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि इसमें ये वाली जो चीज़ है ना, ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ये कैसे करना है आपको एग्जाम में, ऐसे करना है कि 3 × 2 = 6 दो बार जा रहा तो 200 तो वो हो गया, बचा कितना 1/3, 33 से 1/3। तो आपको सीधा एग्जाम में ऐसे 7/3 माइंड में ये कैलकुलेशन करनी है। ये वाली कैलकुलेशन आपकी माइंड में होनी चाहिए, 3 से कितने बार जा रहा है 2 बार, तो सबसे पहले सीधा 200 लिख देना है, 200% हो गया। उसके बाद बच कितना रहा है 1, तो 1/3, 1/3 का परसेंटेज कितना होता है 33 सही 1/3%। तो आपको सीधा ऐसे करना है, तो ये हो जाएगा 233 सही 1/3%। और जब कभी भी 100% का ऊपर का अगर रेशियो ऐसे आता है तो आप इस प्रकार से परसेंटेज बना सकते हैं या इस प्रकार से बना सकते हैं। आपके पास दोनों तरीके हैं, जैसे आपको उचित लगे आप वैसे बनाएं। क्लियर है? अब 200% से ऊपर के परसेंटेज से फ्रैक्शन, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें ये नहीं आएगा 7/3, उसमें ये आएगा 233 से 1/3, इसका फ्रैक्शन मान आपको आना चाहिए। तो इस तरह परसेंटेज से फ्रैक्शन हमें बनाना है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। सेम तरीका यही है, बस उल्टा रिवर्स चले जाएंगे और कुछ नहीं है। परसेंटेज से फ्रैक्शन, 100% से ऊपर अगर हमें परसेंटेज दिया है तो उसका फ्रैक्शन किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे हमने अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाया है, ठीक उसी प्रकार से बस रिवर्स काम करना है। अब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो हमसे उसने कहा कि बताइए 364.28% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल मान के चलो, उसने कहा कि बताइए 175% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा। ये परफेक्ट में है, ये पॉइंट में है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो देखो पहले इसको समझेंगे, 175% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा। तो एक तरीका तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी परसेंटेज के साइन को हटाना है तो 100 से भाग दे देते हैं। तो 175% का अगर मैं फ्रैक्शन में मान बनाऊंगा तो 175 अपॉन परसेंटेज के साइन को हटाकर 100 से भाग दे देंगे। 25 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार। 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार, तो कितना हो जाएगा भाई 7/4। इसका मतलब 175 का फ्रैक्शन में मान हो गया 7/4। एक तो तरीका बनाने का सीधा ये हो गया। उसके अलावा एक दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, एक दूसरे तरीके से हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि 175% है, 175% को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो इसको ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, 100% + 75% में ब्रेक कर सकता हूँ। इसको मैं 75% में ब्रेक कर सकता हूँ। 100% का फ्रैक्शन में मान एक होता है, 75% क्या है, 75% 25% का 3 गुना है। 25% कितना होता है 1/4, ये उसका 3 गुना है। तो 3 गुना है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3/4। तो 1 + 3/4 कितना हो जाएगा 7/4। तो हमारा ये आ जाएगा 7/4। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। चाहे आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखेंगे ये वाला। अब यहाँ पर ये जो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों तरीकों में से ये जो ऊपर वाला तरीका है 100 से डिवाइड करके बनाने वाला, जब कभी भी पॉइंट में इस प्रकार से परसेंटेज आए तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि 100 से भाग दे के बनाएं, तो आपका गलत हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ आपको क्या नहीं करना। मेरे कहने का मतलब आपको ये नहीं करना कि 364.28% के साइन को हटाकर 100 और बन गया आपका फ्रैक्शन। ऐसे नहीं करना आपको, ये हो जाएगा आपका गलत। ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाए थे तब बताया था कि ये 0.28 जो है ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी ये आगे तक जाएगा, इसलिए ये परफेक्ट मान नहीं है। तो इसका फ्रैक्शन ऐसे नहीं बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो जब कभी भी पॉइंट में परसेंटेज दिया हो, परफेक्ट में नहीं दिया हो, तो उस केस में आपको हमेशा परसेंटेज का फ्रैक्शन इस दूसरे मेथड से बनाना है, ब्रेक करके बनाना है। और ब्रेक किस प्रकार से करना है वो मैं बताऊंगा। ब्रेक आपको इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि हमने जो 1 से 20 तक फ्रैक्शंस याद किए हैं उसमें ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें पीछे 0.28 आता है। तो कौन से में आता है,
14.28 में आता है कि नहीं आता, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो 364 में से 300% तो हम अलग निकाल लेंगे, 300% सबसे पहले अलग निकाल लेंगे, प्लस उसके बाद ये इसमें से 0.28 है तो 0.28 14.28 में आता है तो इसको अलग निकालना पड़ेगा 14.28%, और 14.28 64 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा बाकी का 50%, बाकी का लिख देंगे 50% अलग, तो बाकी का 50%। अब इस परसेंटेज में जो हमने ब्रेक किया है इसमें एक भी परसेंट ऐसा नहीं है जिसका फ्रैक्शन हमें पता ना हो, हमें पता है 300% का फ्रैक्शन 3 होता है, प्लस 14 से ही 2/7% का 1/7 होता है, प्लस 50% का 1/2 होता है, हमें सभी के फ्रैक्शन पता है। तो आगे करेंगे तो देखो 7 और 2 का LCM कितना हो जाएगा भाई 14, 3 के नीचे 1, 1 से 14 बार 14 कितना हो गया 42, प्लस 7 से कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 से कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन में मान बन जाएगा 7 और 2 9, 9 और 42 कितना हो गया 51, 51/2 और नीचे कितना है 14, ये हमारा फ्रैक्शन में मान बन जाएगा कितने का 364.28% का 51/14, 42, 44 और 751/14, तो ये इस परसेंटेज का फ्रैक्शन में मान हो गया। तो जब कभी भी 100% से अबव का परसेंटेज आएगा तो फ्रैक्शन बनाने के लिए वही 100 से भाग देना, 100 से मल्टीप्लाई करना, ये बेसिक सा तरीका है, लेकिन हमें जब कभी भी पॉइंट में 100 से ऊपर आएगा तो उस केस में हमें इस प्रकार से ही करना है, इस तरीके से नहीं करना है, ये समझने वाली बात है, बात स्पष्ट है। तो अब हमने 1 से लेके 20 तक फ्रैक्शन याद कर लिया, कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके एडिशन करके 100 से अबव के फ्रैक्शन बनाना मैंने किया, तो अब आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन आएगा वो आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे, मैंने फ्रैक्शन बनाने के सारे तरीके आपको बता दिए। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं 100% से अबव वाले का, अगर आपकी समझ में नहीं आया अच्छे से तो एक दो एग्जांपल से और अच्छा समझ में आ जाएगा। सबसे 100% से ऊपर वाले में बस यही समझना जरूरी है कि जब कभी भी पॉइंट में आए तो 100 से डिवाइड करके नहीं बनाए, उसको पहले ऐसे फ्रैक्शन में ब्रेक करें जिसका मान आपको पता है, फिर उसको करें आगे। अब फ्रैक्शन का बनाना आ गया हमारे पे, फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का प्रयोग क्या है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन परसेंट में रिलेशन क्या है, एक फ्रैक्शन याद रखने, बाकी 100 से ऊपर तक बनाना हमने सीख लिया, सारे तरीके सीख लिए। अब उसके बाद इसका प्रयोग क्या है, फ्रैक्शन को हम क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शनों को क्वेश्चनों में अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा परसेंटेज और फ्रैक्शन का प्रयोग जो होता है वो दो जगह होता है, एक तो आपका प्रयोग होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, हमेशा आपका प्रयोग होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका प्रयोग होता है परसेंटेज का, और उसके अलावा इसका प्रयोग होता है कंपैरिजन में, और कोई भी मान हमेशा परसेंटेज में 100% के बराबर होता है। तो कंपैरिजन में और डिस्ट्रीब्यूशन में दो जगह इसका यूज होता है, तो हम फ्रैक्शन का कैसे यूज करेंगे, तो जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज कर रहे होंगे तो जैसे कोई एक्स परसेंट मान हम बता रहे हैं तो x परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू a बटे बीच है, तो हमेशा जो नीचे फ्रैक्शन में मान होगा वो हमेशा टोटल वैल्यू होगी या ओरिजिनल वैल्यू होगी, टोटल या ओरिजिनल वैल्यू होगी हमेशा, और ऊपर जो होगा वो हमेशा रिजल्ट होगा, ऊपर हमेशा रिजल्ट होगा। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा कि a b का 40% है, सॉरी ये कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लेना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लेना है यहाँ पर हमें, तो जैसे हमने एक लैंग्वेज हमारे क्वेश्चन में आई कि ए को 40% मिला किसी हिस्से में से, उसको किसी भी चीज में से उसको मान के चलो 40% चीज मिली, 40% मिला, तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर मैं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5, तो इसमें जो नीचे 5 होगा, ये जो नीचे 5 होगा ये हमेशा टोटल मान होगा, कुल वैल्यू होगी, और ऊपर जो होगा वो हमेशा वो वैल्यू होगी जो 40% है, और 40% किसको मिला है ए को, तो ए को कितना भाग मिला ये हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे ये लैंग्वेज आई ए को 40% मिला, तो 40% की जब मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा तो ए को कितना मिला वो रेशियो तो आएगा ऊपर, और कितने में से मिला
कुल वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आएगी हमेशा नीचे। टोटल और ओरिजिनल माल हमेशा नीचे रहता है, रिजल्ट हमेशा ऊपर रहता है। रिजल्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट का मतलब है कि जो ऊपर वैल्यू है ये 40% मान है कुल वैल्यू का, और कुल वैल्यू कितनी है 5। तो जब कभी भी हम फ्रैक्शन में वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा 100% मान, हमेशा परसेंटेज में मैक्सिमम मान कितना होता है कुल मान 100% मान नीचे रहता है, और ऊपर जो है रिजल्ट रहता है, मतलब 40% मान जो होगा वो ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का हम हर क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। जब कभी भी किसी भी परसेंट का फ्रैक्शन में मान बताएंगे तो रिजल्ट ऊपर रहेगा, टोटल और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, और वो एग्जाम्पल के जरिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ऐसे ही कंपेरिजन होता है। कंपैरिजन में फ्रैक्शन का यूज कैसे होगा, कंपैरिजन में फ्रैक्शन का यूज इस प्रकार से होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक एग्जांपल ले लेंगे, ए बी का 80% है, ये लैंग्वेज है, ए इज 80% ऑफ बी। अगर ये लैंग्वेज है, ए जो है वो बी का 80% है, हमारे सामने ये लैंग्वेज है, तो इसमें हम फ्रैक्शन का यूज कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन का यूज इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 80% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। अब यहाँ पर क्या होता है कंपैरिजन के केस में, कंपैरिजन के केस में जब किसी भी परसेंटेज की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो जिस वैल्यू से तुलना की जाती है वो मान हमेशा नीचे रहता है, और जिस वैल्यू की तुलना की जाती है वो मान हमेशा ऊपर रहता है। यहाँ पर कहा है ए बी का, मतलब ए बी का हमेशा ये देखना किसके पीछे काया से लग रहा है, जिसके पीछे काया से लग रहा होगा, जिसके पीछे ऑफ लग रहा होगा उस वैल्यू से कंपैरिजन किया जा रहा है, और जिसके पीछे कुछ नहीं है उस वैल्यू का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जिस वैल्यू के पीछे काया से आ रहा होगा उसका मान हमेशा नीचे रहेगा। तो उसने कहा ए बी का 80% है, तो ए का कंपैरिजन बी से किया जा रहा है, तो इसका मतलब बी का मान 5:5 होगा और ए का मान 4:4 होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कंपैरिजन के केस में, तो कोई भी लैंग्वेज आएगी तो उस केस में जिस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है वो मान हमेशा नीचे रहता है, और जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो मान हमेशा ऊपर रहता है। बात क्लियर है, स्पष्ट है। तो यही दोनों चीजें फ्रैक्शन का ये मतलब है, और लैंग्वेज बस यहीं से आएंगी जो मैंने आपको ये बाद में कराया है, इन्हीं का लैंग्वेजों का यूज होगा। जैसे ये एक लैंग्वेज है ए बी का 80% है, ऐसी कंपैरिजन हो सकता है ए बी से 60% अधिक है, ए बी से 40% कम है, वो सारी लैंग्वेज और उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए ये फ्रैक्शन को ही समझना सबसे ज्यादा जरूरी था, फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है, इसका यूज कैसे होगा, परसेंटेज में मैक्सिमम मान 100% होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। यहाँ से आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के साथ। अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा मैं फिर से यहीं यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।